अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली प्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करना। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में जरूरी जानकारी आपको दी और अब हम टैली प्राइम पर वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम टैली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करते हैं ये बता रहे हैं, पर उससे पहले आपको टैली प्राइम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली प्राइम का सभी लोगों को लंबे समय से इंतजार था और अब यह बिल्कुल नए लुक में आ गया है। ध्यान रखें, टैली प्राइम सिर्फ 64 बिट वाले विंडोज 7 या उसके बाद वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता है, इसलिए अपने सिस्टम पर इसे डाउनलोड करने के पहले अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लें। आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करते हैं उसकी कई वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। और यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर सप्लायर से इसे अपग्रेड करवा सकते हैं। तो चलिए टैली प्राइम को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की प्रक्रिया आपको बता देते हैं। टैली सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल क्रोम में टाइप कर रहे हैं डाउनलोड टैली प्राइम। अब एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ टैली की ऑफिशियल वेबसाइट tallysolutions.com दिखाई पड़ रही है, इस पर क्लिक करें। देखिए वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके टैली प्राइम डाउनलोड कर सकते हैं, पर सेटअप डाउनलोड करने से पहले यहाँ नीचे लिखे नोट पर ध्यान दें। इसमें कहा गया है कि टैली प्राइम विंडोज 7 या उसके बाद वाले विंडोज को ही सपोर्ट करेगा और इनमें भी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और 64 बिट प्रोसेसर होना चाहिए। यदि आप आवश्यक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो यहाँ हियर पर क्लिक करें। चलिए अब डाउनलोड पर क्लिक करके टैली प्राइम का सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं। देखिए सेटअप डाउनलोड हो गया है। अब यहाँ शो इन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। अब हमें टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए सेटअप पर डबल क्लिक करना होगा। सेटअप पर डबल क्लिक करते ही हो सकता है इस तरह की विंडो आए जिसमें सेटअप को रन करने के लिए आपसे परमिशन मांगी जा रही हो। हम यस पर क्लिक कर रहे हैं। ऐसा करते ही टैली प्राइम सेटअप मैनेजर की एक विंडो ओपन होगी जिसमें सेटअप के बारे में जानकारी दी गई है। इसी के नीचे टैली प्राइम कहाँ पर इंस्टॉल होगा वो पाथ दिखाई दे रहा है। यदि आप ये पाथ बदलना चाहते हैं तो कॉन्फिगर पर क्लिक करें। यहाँ से आप पाथ बदल सकते हैं। हम एस्केप की प्रेस करके पहले वाली स्क्रीन पर जा रहे हैं। चलिए अब हम टैली प्राइम को इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में टैली प्राइम इंस्टॉल हो गया है और यहाँ एक मैसेज भी दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है कि हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट भी क्रिएट हो चुका है। यहाँ हम स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक करके भी टैली प्राइम को स्टार्ट कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा करते ही टैली ओपन हो रहा है। हो सकता है टैली ओपन होते ही यहाँ पर एक सिक्योरिटी अलर्ट आए जिसमें आपसे कुछ परमिशन मांगी जा रही हो। परमिशन के लिए अलाउ एक्सेस पर क्लिक करें। ये देखिए टैली प्राइम ओपन हो चुका है और एप्लीकेशन स्टार्टअप की विंडो आ रही है। इसे एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस कर दें या माउस से एक्सेप्ट पर क्लिक करें। ऐसा करते ही लाइसेंस की एक नई विंडो आ गई है जिसमें लिखा है वेलकम टू टैली प्राइम। इसमें नीचे लाइसेंस से संबंधित विभिन्न ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं।
अभी हम इनके बारे में आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, दूसरा है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, तीसरा है रिएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस और चौथा है एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। ये जो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क ऑप्शन है, इसकी सहायता से आप टैली का मल्टी यूजर यानी कि गोल्ड वर्जन, जिसमें हम एक ही समय पर सर्वर की सहायता से कई कंप्यूटर उपयोग कर सकते हैं, इसके एग्जिस्टिंग लाइसेंस को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपने नया लाइसेंस खरीदा है तो उसे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस की मदद से एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपके पास पहले से ही सिंगल यूजर यानी सिल्वर लाइसेंस है तो उसे रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस की मदद से रीएक्टिवेट कर सकते हैं, और यदि आप इसे एजुकेशनल मोड में ही उपयोग करना चाहते हैं तो कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर माउस से क्लिक करें या कीबोर्ड पर टी की को प्रेस करें। इस मोड का उपयोग आप निशुल्क यानी बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं। बस एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, एजुकेशनल मोड में प्रैक्टिस करते समय आप इसमें सिर्फ 3 तारीखों में ही काम कर सकते हैं, 1, 2 और 31। लाइसेंस की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी दो वीडियोस एक्टिवेट न्यू लाइसेंस ऑफ टैली प्राइम बाय अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम और रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस ऑफ टैली प्राइम बाय अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम देख सकते हैं। इन वीडियोस के लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वीडियो में आपने सीखा टैली प्राइम डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना, और इसके बाद वाली वीडियो में आप जानेंगे टैली प्राइम में हिसाब किताब रखने के लिए नई कंपनी बनाना। साथ ही सीखेंगे टैली स्टार्ट करना, कंपनी शट करना और टैली बंद करने के बारे में।